हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम लकी खंडेलवाल है। तो ये जो मैं आज वीडियो लेके आ रहा हूँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा मेनली फॉर द एसएससी सीजीएल 2020 के जो आपके टीयर 4 मतलब जो सीपीटी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। बिकॉज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ जो मेरी RTI से कॉपी आई थी एसएससी सीजीएल 2019 सीपीटी की, वो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँगा। और ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल क्यों होगा, बिकॉज मैं आपको बताता हूँ। मेरा पावर पॉइंट में स्कोर था 90 मार्क्स और एक्सेल में स्कोर था 91 मार्क्स। तो टोटल जो मेरा स्कोर था वो है 181 मार्क्स, और जो यूआर कैटेगरी का कट ऑफ होता है आपका वो होता है 120 मार्क्स। तो ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जो अभी एसएससी सीजीएल 2020 सीपीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि सबसे पहले तो आपका एक टाइपिंग का मॉड्यूल होता है, उसके बाद सेकंड आपका पावर पॉइंट का मॉड्यूल होता है, और थर्ड आपका एक्सेल का मॉड्यूल होता है। तो सबसे पहले आपने टाइपिंग दे ली, उसके बाद अगर मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका एग्ज़ाम होता है वो आप देखेंगे 12:45 से यहाँ पे टाइम लिखा गया है 2:41। तो जो मेरा एग्ज़ाम चला था वो रफली 2 घंटे चला था। तो आपको इस चीज़ के लिए तैयार होकर जाना है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो पूरा 2 घंटे तक चलेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि जो आपको सबसे पहले आपने टाइपिंग का मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको एक ऐसी शीट दी जाती है, ये है आपकी क्वेश्चन की शीट, जिसमें आपको दिया होगा कि टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। मैं आपको और अच्छे से जूम करके बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि लिखा हुआ है कि आपको सबसे पहले पावर पॉइंट स्टार्ट करना है। एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पर जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा गया है कि स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एंड क्रिएट ब्लैंक स्लाइड आपको बनाना होगा, और ये जो कंटेंट है इसको आपको सेम टू सेम रिप्रोड्यूस करना होगा। अब सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है यूज़ डिफ़ॉल्ट स्लाइड टाइपिंग हैविंग 2 सेक्शन जिसमें ऐड टाइटल और सबटाइटल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दिया टाइटल 2020 समर ओलंपिक्स। अब आप देखेंगे कि इसकी जो फॉन्ट साइज़ है, फॉन्ट का जो स्टाइल है, और मैंने यहाँ पर अंडरलाइन भी किया है, तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे दी हुई हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि टाइटल के लिए आपको फॉन्ट रखना है सेंचुरी, सेंचुरी, और फॉन्ट टाइप टाइटल और सबटाइटल, मतलब टाइटल और सबटाइटल के लिए दोनों आपको जो फॉन्ट रखना है वो रखना है सेंचुरी, और जो टाइटल के लिए आपको फॉन्ट साइज रखना है वो है 40, और जो फॉन्ट साइज रखना है आपको सबटाइटल के लिए वो 24। तो यहाँ पे क्लियरली आपको मेंशन किया गया है क्या क्या आपको करना है, ठीक है। और उसी के साथ यहाँ पर टेक्स्ट कंटेंट शुड बी बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन एंड अलाइन एज पर द बुलेट गिवन इन द सैम्पल साइज, मतलब ये जो आपका टेक्स्ट दिया गया है और इसमें जो आपको ये बीच बीच में जो टेक्स्ट यहाँ पे बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन दिए गए हैं वो आपको इसके हिसाब से आपकी जो प्रेजेंटेशन बनाएंगे उसमें आपको करना होगा। टेक्स्ट कंटेंट शुड बी बोल्ड, हाँ, और जो इसमें साइज ऑफ द स्लाइड शुड बी 20 पॉइंट्स इन सेंचुरी फॉन्ट, मतलब जो पूरा फॉन्ट है आपका वो सेंचुरी फॉन्ट में लिखा गया है। और जो नीचे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि फुटर में आपको यहाँ पर डेट और टाइम लिखना है, आपको यहाँ पे रोल नंबर लिखना है, और यहाँ पे आपको नेम लिखना है। और कोशिश आपको क्या करना है कि जितने फंक्शंस का आप यूज़ करेंगे, बिकॉज बाद में क्या होता है कभी कभी आपकी सॉफ्ट कॉपी भी इवैल्यूएट कर ली जाती है, तो यहाँ पे फुटर के फंक्शंस होते हैं, जैसे यहाँ पे आपने लिखी डेट, टाइम, रोल नंबर और नेम। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डेमो पूरी प्रेजेंटेशन लेके आऊँ आपके लिए पूरी पावर पॉइंट में कि किस तरीके से आप CPT के मॉड्यूल को बना सकते हैं, तो वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने इंसर्ट फुटर में जाके आपने लिखा है यहाँ पे टुडे की डेट, रोल नंबर और नेम, ठीक है। मतलब जितना कुछ डिटेल्स आपको ये वाली जो पूरी स्लाइड आपको दी गई है, यहाँ पे जितनी डिटेल्स आपको लिखना है वो पूरी डिटेल्स आपको नीचे आपके क्वेश्चन पेपर में मैंशन होगी। उसके बाद जैसे आपको, हाँ, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी प्रेजेंटेशन को सेव करना। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पर कि आफ्टर प्रिपेयरिंग योर स्लाइड, स्लाइड बनाने के बाद आपको जो डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाना होगा SSC_ फॉलोड बाय योर रोल नंबर, और उसके बाद आपको ये फोल्डर बनाना होगा। उसके बाद आपको ये जो प्रेजेंटेशन है PPT वाली, इसको सेव करना होगा, और उसके बाद एक्सेल की प्रेजेंटेशन को भी सेव करना होगा। अब मैं बताता हूँ कि ये है आपकी डेमो प्रेजेंटेशन, और मैंने अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो किस तरीके से बनाई थी, ठीक है। ये है मेरी प्रेजेंटेशन जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर 2020 समर ओलंपिक्स, साइज़ इसका था 40, ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी इन सब का साइज़ था आपका 20, और यहाँ पे ये है आपका इटैलिक। अब आप देखिए यहाँ पे मेरा -2 हुआ है, बिकॉज यहाँ पे ये वाला जो है ये जाना था स्टार्टिंग में, ठीक है, ये आपने देखा ये जाना था स्टार्टिंग में, लेकिन ये गया यहाँ पे एंड में, तो इसमें हुआ -2। और ये भी पता नहीं -2 क्यों हुए, मतलब मार्क्स तो वैसे ही काट लेते हैं। और जो फाइनल स्कोर निकल के आया था वो था मेरा 90 मार्क्स। यहाँ पर जैसे आप देखें डेट और टाइम मैंशनड है नीचे, रोल नंबर मैंशनड है और नाम मैंशनड है। और उसके बाद आपको ऐसी प्रिंट आउट की शीट आती है, उसके बाद ये वो स्टैम्प लगाते हैं आपकी शीट पे, और स्टैम्प में आपको ये पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो इनपुट करना होता है। तो ये मैंने आपको बता दी मेरी पावर पॉइंट की स्लाइड। अब हम देखते हैं एक्सेल की स्लाइड।
एक्सेल की स्लाइड में क्या था यहाँ पे, टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये आपको शुरू करना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपने शुरू किया, उसके बाद आपको नाम और रोल नंबर डालना है इन द फर्स्ट टू रोज। जैसे देखें यहाँ पे आपने डाला नाम, रोल नंबर ही आपने डाला, उसके बाद थर्ड आपको ब्लैंक छोड़ना है, और जो फोर्थ वाली है उसमें आपको करना होगा मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर आपने करा, जैसे 1 2 3 4, ये 4 5 ब्लॉक आपने कर लिए सेलेक्ट, और उसके बाद एक्सेल में आपका एक ऑप्शन आता है मर्ज एंड सेंटर का, वो आपने करा। और जो टेक्स्ट है उसका, उसकी साइज है 12 सेंचुरी बोल्ड इटैलिक, मर्ज एंड सेंटर करा आपने। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो पैरामीटर्स आपको हैं यहाँ पे दिए गए हैं पैरामीटर्स आपने यहाँ पे लिखे, जो भी पूरी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे वो आपको क्लियरली मेंशन की गई है। उसके बाद यहाँ पे आपको एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज का फंक्शन लगाना है, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज लगाना है। और मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, वो ये है कि एक्सेल की जो भी आप स्लाइड बनाते हैं ना, उसका आपको प्रिंट आउट निकालना है लैंडस्केप फॉर्म में। जैसे हम नॉर्मली क्या होता है, प्रिंट आउट निकालते हैं पोर्ट्रेट फॉर्म में, मतलब इस फॉर्म में, तो हमारी जो डिटेल्स होती हैं इसमें से कुछ डेटा आपका बाहर चला जाएगा, और आपको प्रिंट प्रीव्यू करके बार बार देखना भी होगा कि जो प्रेजेंटेशन आप बना रहे हैं वो प्रिंट में सही आ रही है नहीं, क्योंकि वो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बिकॉज बाद में अगर आप प्रिंट आउट निकालते हैं, एक बार आपका टाइम खत्म हो गया और उसके बाद आपने प्रिंट आउट निकाला, और आपका मानिए जैसे ये डी फंक्शन तक आया, तो मानिए आप इस चीज़ से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको जो प्रिंट आउट निकालना है वो आप निकालेंगे लैंडस्केप फॉर्म में, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो आपका डेटा है ये लैंडस्केप फॉर्म में काफ़ी अच्छे से आ जाएगा। तो लैंडस्केप फॉर्म में भी आपको प्रिंट आउट कैसे निकालना है वो भी मैं आपको नीचे बता दूंगा, मतलब एक अलग से मैं एक पूरी वो बना दूंगा प्रेजेंटेशन, उसमें हम ये पूरी चीज़ें देख लेंगी। अब यहाँ पे आप देखें क्लियरली आपको दिया गया है कि नो कैलकुलेशन शुड बी डन मैनुअली एज सॉफ्ट कॉपी माइट बी चेक्ड, और आपको फंक्शंस का यूज़ करना होगा। ठीक है, और आपको इसके लिए सिर्फ 15 मिनट का समय दिया जाता है। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये जो था मेरा एक्सेल का पूरा फॉर्मेट, और मैंने जो बनाई थी कॉपी वो कुछ इस तरीके की थी, और इसमें मुझे जो मार्क्स मिले थे वो थे 91 मार्क्स। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी अगर आपको डाउट है तो वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।